हेलो ऑल यू ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू ब्यूटीफुल यू चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का रिव्यू है केश किंग ऑयल के ऊपर। तो ये जो ऑयल है वो इमामी का केश किंग ऑयल है, नंबर वन इंडियाज आयुर्वेदिक ऑयल, और ये स्कैल्प एंड हेयर मेडिसिन के लिए जाना जाता है, और इसको न्यू हेयर ग्रोथ के लिए एंड हेयर फॉल कम करने के लिए लगाया जाता है। तो अगर आप इसके बैक साइड पे देखेंगे तो इसमें दिया गया है इंडिकेशंस में कि ये हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, नए हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, प्री मैच्योर ग्रेइंग, मतलब अगर आपको सफ़ेद बालों की प्रॉब्लम है तो उसमें हेल्पफुल है। इसके बाद अगर आप इसको मसाज करते हैं तो आपका जो सर दर्द है स्ट्रेस की वजह से, टायर्डनेस की वजह से, जो आपको नींद नहीं आती है, हेडेक रहता है, उसमें भी ये रिलीफ देता है। करीबन 300 ml प्रोडक्ट है और मुझे करीबन ये 300 रुपये में मिला। तो कॉस्ट की बात करें तो इट इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव। अगर हम इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें करीबन 21 हर्ब्स यूज़ किए गए हैं, और उसके साथ आप देख सकते हैं इसमें मेथी है, नीम है, ब्रिंगराज है, आंवला है, सो देयर आर 21 हर्ब्स है, मंजिष्ठा, बहुत सारे हर्ब्स हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे जाने जाते हैं। और इस तेल का बेस जो है वो है तिल का तेल। तो सबसे अच्छी बात, इसमें मिनरल ऑयल नहीं है, इसमें सीसम ऑयल में हम लोगों को सब हर्ब्स मिले हैं। तो ये जो ऑयल है वो मैं करीबन 4-5 साल से लगा रही हूँ। इनफैक्ट मेरी इंटायर फैमिली ये ऑयल लगा रही है। ये ऑयल मुझे तब किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया था बोल के कि इससे हेयर फॉल कम होता है। तो इसको यूज़ करने से सबसे पहला डिफरेंस जो मुझे लगा वो ये था कि मेरे हेयर का जो टेक्स्चर है उसमें 2-3 बार में ही फ़र्क आ गया था। जैसे मेरे हेयर ड्राई एंड रूखे हो रहे थे उस टाइम, उसकी वजह से मुझे हेयर फॉल हो रहा था कि जैसे ही मैं कंघा घुमाती थी तो मेरे कंघा स्लिप ही नहीं होता था नीचे ड्राइनेस की वजह से, एंड अल्टीमेटली वो खिंच के हेयर फॉल हो जाते थे। तो उसकी वजह से मेरे हेयर टेक्स्चर में बहुत फ़र्क आया, मेरी हेयर स्मूथनेस में बहुत फ़र्क आया, तो उसकी वजह से हेयर फॉल कम हुआ। अब मैं ये नहीं बोल सकती कि अगर आपको स्ट्रेस है, अगर आप डाइट अच्छे से नहीं लेते हैं, वर्कआउट नहीं करते हैं, और एक्स वाई जेड रीज़न की वजह से अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो उसका आपको क्या फ़ायदा होगा, उसमें मैं आपको ये नहीं बोल सकती डेफिनेटली कि हेयर फॉल आपका कंट्रोल करेगा। बट हाँ, अगर आपका ड्राई एंड डैमेज्ड हेयर है और उसकी वजह से अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो डेफिनेटली ये आपका हेयर फॉल रिड्यूस करेगा। क्योंकि मेरा हेयर फॉल रिड्यूस किया था क्योंकि मेरे हेयर बहुत ड्राई एंड डैमेज हो गए थे। अगर आपके ट्रीटेड हेयर हैं, आपके स्ट्रेटन हेयर हैं, कलर्ड हेयर है, और आपके वेदर की वजह से जो ड्राइनेस होती है आपके बालों में डैमेज हो जाते हैं, तो उसमें डेफिनेटली ये फ़र्क आपको दिखने को मिलेगा, आपके हेयर फॉल में फ़र्क दिखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप इसको लगाएंगे तो आपको जो हेडेक है, आपका पूरे दिन की जो थकान होती है, स्ट्रेस होती है, हेडेक होता है, उसमें भी आपको फ़र्क दिखने को मिलेगा। तो आइए मैं आपको बताती हूँ उसको लगाना कैसे है। तो मैं यूजुअली इसको थोड़ा गुनगुना करने के बाद नाइट टाइम में ही लगाती हूँ, क्योंकि नाइट टाइम में लगाने से, अच्छे से मसाज करने से मेरा हेडेक में भी रिलीफ आता है, बॉडी एक में भी रिलीफ आता है। इनफैक्ट बॉडी लाइट फील होने लगती है इसको लगाने के बाद। बहुत इजी एप्लीकेशन है, नॉर्मली जिसे हम ऑयल स्कैल्प में लगाते हैं वैसे ही आपको लगाना है, स्कैल्प से लेके हेयर तक, एंड सुबह को नॉर्मल जैसे वॉश करते हैं वैसे वॉश कर लेना है। तो हमने देखा कितना इजी टू यूज़ है, आई मीन जैसे नॉर्मल ऑयल हम यूज़ करते हैं वैसे ही है, कुछ अलग टेक्निक नहीं है इसकी। हफ्ते में आपको ये 2 बार मैं रेकमेंड करूँगी कि यूज़ करना ही चाहिए, और उसके बाद आपको डेफिनेटली 2-3 बार लगाने से ही आपको डिफरेंस दिखाई देगा आपके हेयर टेक्स्चर में, आपके हेयर की स्मूदनेस में। एंड मैं रेकमेंड करती हूँ कोई भी यूज़ कर सकता है, क्योंकि इसमें आपको इंटायर लिस्ट विजिबल है कि कौन कौन से हर्ब्स यूज़ किए गए हैं, एंड इसमें कोई मिनरल ऑयल नहीं है। मोस्टली आप मार्केट में देखेंगे तो मिनरल ऑयल ही यूज़ होता है, जो बेस होता है वो मिनरल ऑयल होता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो अगर आपको कोई भी ऑयल एक्स वाई जेड कोई भी ऑयल यूज़ करते हैं तो आप देखिए उसमें मिनरल ऑयल नहीं होना चाहिए। एंड उसके साथ जो जो हर्ब्स इसमें यूज़ किए गए हैं वो बच्चों से लेके बड़ों तक सभी के लिए अच्छे हैं, एंड सभी हेयर कंसर्न्स के लिए, राइट फ्रॉम ग्रेइंग ऑफ योर हेयर टिल हेयर फॉल, स्ट्रेस की वजह से हेडेक रहता है, अगर आपको नींद भी नहीं आती है तो ये सब चीज़ों का ये ध्यान रखता है, इसमें ये सब हर्ब्स यूज़ किए गए हैं। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आपके इंटायर फैमिली के लिए बहुत अच्छा है, आप ज़रूर ट्राई करके देखिए। एंड स्पेशली अगर आपके हेयर ट्रीटेड है, मतलब कलर है और ये सब है, तो डेफिनेटली बहुत ड्राई हो जाते हैं, उससे बाल अनमैनेजेबल हो जाते हैं, तो डेफिनेटली आप ये ट्राई करके देखिए, आपको
कंडीशनर भी कम यूज़ होगा उसके बाद, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं यूजुअली कंडीशनर नहीं यूज़ करती। मैं ऑयलिंग करने के बाद ही हेयर वॉश करती हूँ, या हेयर मास्क लगाने के बाद ही हेयर वॉश करती हूँ। मैं कंडीशनर में मुझे लगता है केमिकल्स होते हैं, इंस्टेंटली लगाने से वो बालों को सॉफ्ट कर लेता है, तो आई डोंट ट्रस्ट कंडीशनर्स, आई डोंट नो वाई। और मुझे ये भी है कि कंडीशनर से हेयर फॉल होता है, और मुझे, मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरा हो जाता है। सो मैं ज़्यादातर कंडीशनर यूज़ नहीं करती, बहुत कम ओकेजन होते हैं जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता ऑयलिंग लगाने का टाइम या मास्क लगाने का, तभी मैं जल्दी जल्दी में कंडीशनर यूज़ कर लिया तो कर लिया, वरना मैं नहीं यूज़ करती हूँ। आई प्रेफर ऑयलिंग। ऑयलिंग से आपको स्कैल्प में भी फ़र्क दिखाई देता है, आपके जो डैंड्रफ है वो भी ट्रीटेड रहता है, आपका स्कैल्प हेल्दी रहता है, आपके हेयर नरिश्ड रहते हैं, तो आपके हेयर जो फॉलिकल्स है उसमें अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन मिलता है, तो उसकी वजह से आपके हेयर ग्रोथ में डिफरेंस दिखाई देता है। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड केश किंग ऑयल। अगर आपको ये सब कंसर्न्स है तो आप यूज़ करके देखिए, आपको ज़रूर डिफरेंस दिखाई देगा। एंड अगर कॉन्स की बात करें तो मैं ये बोलूँगी कि ये लगाने से आप ये नहीं सोचेगा कि आज मैंने लगाए तो एक महीने बाद मेरे बाल डबल हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कोई भी ऑयल नहीं कर सकता। एंड डिपेंड करता है कि आप कैसी डाइट लेते हैं, आपके स्ट्रेस लेवल क्या है, पॉल्यूशन कितना है आपके एरिया के अराउंड, एंड आप एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, तो बहुत सारे फैक्टर्स पे हेयर फॉल डिपेंड करता है। सिर्फ तेल लगाने से कभी भी आपका हेयर फॉल कम्प्लीटली नहीं जा सकता, सो इंटायर थिंग आपको देखना पड़ेगा कि कैसा आपका सिस्टम में है। एंड अगर मैं डैमेज एंड ड्राई हेयर की बात करूँ, डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए, कोई भी हेयर टाइप है इसे ट्राई कर सकता है और आपको ज़रूर डिफरेंस दिखाई देगा। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप यूज़ करके देखिए, एंड आई होप आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और ये इन्फॉर्मेशन आपके काम में आए। तो यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टाटा, टेक केयर।